ये साल बायोपिक्स का साल रहने वाला है, कई सारी बायोपिक्स रिलीज होने के लिए तैयार हैं। ऐसे में नजर डाल लेते हैं उन मेजर बायोपिक्स पर जो हो रही हैं इस साल रिलीज। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि 1983 में वर्ल्ड कप जीत चुके कपिल देव टीम कैप्टन जो थे इंडियन टीम के, उनकी बायोपिक बनने जा रही है, जिसका नाम भी 83 है, जिसमें नजर आने वाले हैं रणवीर सिंह और उनकी वाइफ के किरदार में नजर आएंगी दीपिका पादुकोण, जो कि रियल लाइफ वाइफ भी हैं। ऐसे में ये एक बड़ी बायोपिक होने वाली है जो डिले होती जा रही है बिकॉज ऑफ पैंडमिक, काफी डिले हो चुकी है, इस साल रिलीज के लिए सेट है, तो हम काफी एक्साइटेड है इस मूवी को देखने के लिए। वहीं अगर बात करें दूसरी ऐसी बायोपिक की जिसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ रही है, तो वो है साइना। जी हाँ, एस बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल की कहानी पर आधारित साइना मूवी भी काफी मजेदार होने वाली है, जिसको देखने के लिए हम काफी एक्साइटेड हैं, जल्द ही रिलीज होगी ये मूवी। इसके अलावा बात करें तो शेरशाह ऐसी मूवी है जो एक आर्मी ऑफिसर पर आधारित है, विक्रम बत्रा, जिसकी कहानी देखने में मजा आने वाला है। आर्मी ऑफिसर्स की कहानी देखने में वैसे भी मजा आता है बिकॉज वो एक पेट्रियोटिक टच के साथ आती है। ये मूवी में नजर आएंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा, देखने में बड़ा मजा आएगा। इसके अलावा गंगूबाई काठियावादी भी रिलीज हो रही है, जिसके किरदार को ऐसे कर रही हैं आलिया भट्ट। 50s के टाइम पर गंगूबाई कमाठीपुरा में काफी फेमस थी, उनका किरदार किस तरीके से आलिया निभाएंगी इस चीज का काफी बस बना हुआ है। तो ये चार बड़ी ऐसी मूवीज हैं, ऐसी बायोपिक्स हैं जो इस साल रिलीज होने वाली हैं, और हम सबकी नजरें टिकी हुई हैं इन बायोपिक्स पर। क्या कहना चाहेंगे, किस बायोपिक के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं, आकर बताइए कमेंट सेक्शन में, और हमारे साथ जुड़े भी रहिए क्योंकि और भी कई सारी खबरें हैं लगातार आप तक पहुंचाएंगे।